हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता भारद्वाज फ्रॉम प्रेडिक्शंस फॉर सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। ये कम्प्लीटली न्यू सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम सारे 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे। तो आपके बर्थ चार्ट में जो भी हाउसेस होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, इन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। बर्थ चार्ट का जो फर्स्ट हाउस रहता है, जिसे हम लग्न या असेंडेंट भी बोलते हैं, उसके क्या ट्रेड्स होते हैं, किस तरह से वो आपकी लाइफ की चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट हाउस के बारे में। तो फर्स्ट हाउस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसको हम लग्न या असेंडेंट भी कहते हैं, आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को दिखाता है। आपका नेचर, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आप किस तरह से बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस के अंडर ही आती हैं। आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपके लुक्स, आपका, यहाँ तक कि आपका कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस के अंदर आती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फर्स्ट हाउस में, लग्न में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, तो फिजिकल अपीयरेंस में उस प्लैनेट के ट्रेड भी आएंगे। जो भी वो प्लैनेट रहेगा, उसके जो भी ट्रेड्स रहेंगे, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस में, आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूर आएंगे। वैसे इसके लिए भी मैं एक अलग से सीरीज़ लेकर आऊँगी, डिफरेंट प्लैनेट्स एंड डिफरेंट हाउसेस, इसके लिए कम्प्लीटली डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। इसके अलावा फर्स्ट हाउस और लग्ना जो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, वो करता है आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लाइफ का पर्पस, आपने क्यों बर्थ लिया, आपने क्यों इसी पर्टिकुलर लग्ना साइन में बर्थ लिया। सपोज अगर किसी का लग्न एरीज है, टॉरस है या लिब्रा है, तो क्यों आपने एरीज, टॉरस या लिब्रा साइन में ही बर्थ लिया, आप किसी और लग्न में क्यों नहीं। तो आपका लाइफ पर्पस, वो भी फर्स्ट हाउस से, और उसका जो रूलिंग साइन होता है लग्न का, सपोज जैसे मैंने बताया कि एरीज, टॉरस या लिब्रा, तो ऐसे जो साइन होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपके क्या लाइफ गोल्स रहेंगे, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, आप मतलब हैप्पीनेस है, एवरेज लाइफ है, या लाइफ में लाइफ लॉन्ग हमेशा अप एंड डाउन ही रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। प्लस इसके लिए लग्ना लॉर्ड की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, वो स्ट्रांगली प्लेस्ड है, बैड है, वीक है, अफ्लिक्टेड है, ये सारी चीज़ें चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो फर्स्ट हाउस के लिए। नेक्स्ट में वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी सेकेंड हाउस के बारे में। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।